नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपने घर के मंदिर में ऐसी कौन सी मूर्तियां हैं जो कभी गलती से भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपने रखी है तो उसे तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि इसके दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आती है राहु की मूर्ति। राहु की मूर्ति कभी भी घर में रख के नहीं पूजी जाती, क्योंकि कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब सुदर्शन चक्र से विष्णु भगवान ने राहु के दो टुकड़े किए थे, जिससे राहु और केतु ये दोनों ग्रह बने थे। दूसरा है नटराज। शिव जी की नटराज या नाचते हुए जो नटराज की प्रतिमा कही जाती है, उसे घर में कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर में कलेश, झगड़े इनको आमंत्रित करते हैं। तीसरी मूर्ति आती है माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति। अगर जिस घर में माँ लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति होती है मंदिर में, वहाँ पे लक्ष्मी का निवास नहीं होता। माता लक्ष्मी वहाँ से रूठकर चली जाती है, इसलिए आपको माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखनी है तो बैठी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखिए। लक्ष्मी जी जो कमल पे निवास करती हूँ, वैसी मूर्ति रखिए। और इसके बाद आता है भैरव जी की मूर्ति। भैरव जी की पूजा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन भैरव जी की पूजा तांत्रिक पूजा मानी जाती है, इसलिए भैरव जी की मूर्ति भी घर में नहीं रखी जाती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी आपको इसके भी दुष्परिणाम भोगने को मिल जाएंगे। इसके बाद आती है शनि की मूर्ति। शनि देव जो कर्मों के अकॉर्डिंग हमें फल देने वाले होते हैं, शनि की मूर्ति कभी भी गलती से घर में नहीं रखी जाती, क्योंकि शनि देव को उनकी पत्नी ने श्राप दिया था कि अगर जो भी आपकी पूजा या आपकी पूजा घर में रखकर करेगा, उसकी जिसके ऊपर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी उसके जीवन में मुसीबतें आ जाएंगी। इसलिए शनि देव की मूर्ति घर में नहीं रखी जाती। जब भी हम शनि देव की पूजा मंदिर में करने जाते हैं तो अक्सर हमें बोला जाता है कि उनकी आंखों में नहीं देखना, उनके चरणों में देखना, या फिर आप साइड से उनको देखो, मतलब उनकी दृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उनको श्राप मिला है कि जिसके ऊपर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी उसके ऊपर मुसीबतें आ जाएंगी। तो शनि देव की भी मूर्ति आप घर में गलती से भी नहीं रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।